हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डे टू डे व्लॉग्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो, जिस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा अपने एक साल पहले की वीडियो और अभी जो लेटेस्ट यूट्यूब पे अपलोड हुई है उस वीडियो के बीच में। तो कंपेयर हम ऐसे करेंगे, हम एडिटिंग में कंपेयर करेंगे, हम शूटिंग में कंपेयर करेंगे और जितने भी एक्साइटेड चीजें हुई है मेरे साथ इस दौरान, पिछले साल से लेके इस साल के बीच बीच में, तो वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए नजर मारते हैं एक साल पहले की वीडियो। उम्मीद है वो वीडियो तो आपने देखी होगी। क्या हुआ था इस वीडियो को बनाने में टाइम पे, मेरे मन में ऐसा था कि एक वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन हर एक यूट्यूबर और हर एक वीडियोग्राफर के होता है कि भाई वो एक सिनेमैटिक टाइप की वीडियो बनाए, तो ये उस कैटेगरी में मैंने रखा था इसको। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं मेरा फ्रेंड ऋतिक कोठारी, उसकी बाइक ये लेके गए और पता क्या हुआ था, उस टाइम पर मैं नया नया सीख रहा था। तो एक्चुअली में ऐसा होता ना, जब आप सीखते हैं तो फिर धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस आता है कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसा कुछ करना है। तो ये चीज क्या हुई थी, हमने पहले डिसाइड किया था, मेरे घर के पास है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, ठीक है, वहां पे मैं लोकेशन जो ये आप स्टार्टिंग की लोकेशन देख रहे हो ना, ये सब वहीं की है। तो हमने शूट किया। अब देखो इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं मेरे को, साफ सीधी बात है। तो अब ऐसा लग रहा था कि ना कुछ कमी सी लग रही थी लोकेशन की, ये सब। हालांकि अगर मैं अभी उस सिचुएशन में होता तो मैं एक ही लोकेशन पे बना लेता, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को पता भी नहीं था, मैं सीख भी रहा था। तो मैं फिर दो लोकेशन गया, एक ये वाली लोकेशन है और दूसरी लोकेशन है रायपुर साइड की, वो मैं आगे दिखाऊंगा कहाँ पे वो शूट किया था। तो अब यहाँ पे ना आप एक चीज देखोगे, जैसे ये स्टार्टिंग में चल रही वीडियो, ये एक ही फ्रेम है, मैंने कट करके उसको फ्लिप कर रखा है शॉट को पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे आप एक चीज और देखोगे कि ये फ्रेम दिख रहा है आपको, फ्रेम में मेरी बाइक थोड़ा कम दिख रही है और बाकी फ्रेम जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, जबकि हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा फ्रेम के मिडल में रहना चाहिए। तो ठीक है, उस टाइम पे मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो इतना तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओवरले वगैरह कुछ यूज किए हैं इसमें, और ये मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी वीडियो थी जो मैंने बीट पे एडिट करने की कोशिश की थी। तो आप देखोगे इधर बीट पे कट हो रहा है इसमें। अब मैं नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की थी मास्किंग के थ्रू। ये देखोगे आप, जस्ट ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, पैर के साथ ही मैंने मास्क किया है, एक लेयर नीचे रखी है, एक लेयर ऊपर रखी है, ऊपर वाले लेयर को हम पैर के साथ साथ मास्क करेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे रिवील हो रहा है सेकंड शॉट। तो ये चीज मैंने ट्राई की थी उस पे। और एक और गलती मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो मैंने की थी। देखो हम पता क्या नेग्लेक्ट क्या करते हैं, जब हम कोई चीज को शूट करते हैं स्पेशली अगर वो शाइनी वाली चीज है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें चीज ना आए, है ना। अगर आप कोई मिरर वाला शॉट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप नहीं चाहोगे कि कैमरा मैन भी मिरर पे दिखे। तो यहाँ पे मैंने ये गलती करी थी, अगर मैं आप आगे दिखाऊं ये चीज देखो, ये चीज में साफ साफ पता चल रहा है कि मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे ये गलती हुई थी। ये पूरी वीडियो थी जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे को अब जाके मेरे को पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे गलती की थी, लेकिन उस टाइम पे तो वह था कि भाई साहब क्या एक कातिल वीडियो बन गई एकदम से। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जो मैंने रिसेंटली बनाई है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid.
I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. तो ये तो अब वही बात है ना, जो उस जो मैंने पिछली वीडियो थी वो मेरे को उस टाइम पे लगा था कि ये एकदम बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसमें तो क्या ही गलतियां होंगी। ऐसी मेरे को भी अब लग रहा है कि इसमें क्या ही गलतियां होंगी। इसमें भी होगी गलती, लेकिन मेरे को लग रहा है वो आने वाले टाइम में जाके पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या क्या गलती करी है। बट हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उससे तो उससे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो पहली चीज़ है एडिटिंग। एडिटिंग आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में नॉर्मल एडिटिंग थी, नॉर्मल सिनेमैटिक थे। इसमें मैंने ट्राई किया है स्पीड रैंपिंग, इसमें मैंने कोशिश करी है, एंड इसमें मैंने हल्के हल्के VFX डालने की कोशिश करी है। और सबसे मेन चीज़ आप देखोगे, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसकी फ्रेम सिलेक्शन देखोगे और इसका फ्रेम सिलेक्शन देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा। क्योंकि इस वाले फ्रेम में मैंने कोशिश करी है कि मैं मिडल में ही रखूँ और जो मैं दिखाना चाहता हूँ फोकस्ड, वो ही मैंने कोशिश करी है। अब इसमें एक और चीज़ थी, देखो इफेक्ट वगैरह लगाना, ये सब हमने एडिटिंग इतना मैंने सीख लिया है कि मैं कैसे इफेक्ट वगैरह लगाऊं। अब मैंने इसमें इतने इफेक्ट लगाए हैं और मैंने कोशिश करी है कि मेरा लैपटॉप हैंग ना मारे। ठीक है, लास्ट में मैंने जब मैंने पूरी वीडियो दिखाई, मैंने सर को दिखाई, मैंने अपने दोस्त को दिखाई, तो हमने लास्ट के जो फ्रेम है आप देखोगे, जस्ट जो राइडिंग वाला फ्रेम है हमारा, ये वाला फ्रेम है, ये काफी लंबा खिंच रहा है, वो वाला जो काफी लंबा खिंच रहा था, तो वहां पे ना मैं चाह रहा था, हमारे सर ने बताया कि वहां पे ग्लिच इफेक्ट डाल दो तो वो काफी लंबा लगेगा नहीं वो, तो मैंने ग्लिच इफेक्ट डाला और दो तीन इफेक्ट मैंने और डाले, लेकिन रेंडर हुए उसके साउंड इफेक्ट रेंडर हुए, लेकिन उसकी जो इफेक्ट रेंडर ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे ज्यादा हैवी हो रहा था। अब आप इसमें आप देख सकते हो कि जो मेरी पहली वाली वीडियो थी वो एकदम फ्लैट लग रही थी, और ये वाली वीडियो आप देखोगे तो इसमें ना जो हमारी बाइक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो पॉपअप होकर आ रहा है। तो ये चीज़ मैं सुधारना चाहूँगा, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ये चीज़। और दूसरी चीज़ जो थी मेरे को लगी, इसमें जो हमने इफेक्ट यूज़ किया है वो है सेबर इफेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बाइक और वो इफेक्ट है ना, वो हल्के हल्के कहीं पर ना मिस अलाइन हो रही है, तो वो मैं चाहूँगा कि एकदम अलाइंड हो। और बहुत सारी ऐसी इफेक्ट थे जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आप लास्ट में आप देखेंगे ना, लास्ट में मैं आपको, जैसे ये वाला फ्रेम है, इसमें मैं चाह रहा था कि जो ये हेलमेट है, हेलमेट के पीछे इस पर भी एक अच्छा सा इफेक्ट मैं यूज़ करूँ, जो कि मैंने नहीं किया, ये मैं सुधारना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने पहले बताई थी, जो मैं हम नेग्लेक्ट करते हैं रिफ्लेक्टिविटी को, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए हमारा, बट इसमें आप देखोगे तो एक फ्रेम है इसमें, यहाँ पे ये हमारे, मैं खुद रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ वीडियो बनाते टाइम पे, आप ये वाला फ्रेम देख सकते हैं। तो देखो ऐसा है, गलतियाँ होती हैं, तो हमें उसे नेग्लेक्ट करना है, उसे सुधारनी है। इस वाली वीडियो में भी गलतियाँ हैं, इन फ्यूचर में इस वाली वीडियो में और गलतियाँ भी निकले जब हम और प्रोफेशनल हो जाएंगे, जब हम और सीखने लगेंगे। तो ये कंपेरिजन था दोनों वीडियो के बीच में। बट खैर, आज की वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के लिंक नीचे कमेंट करके पिन कर दूंगा, और आप देखना, उस पर जाके भी कमेंट करना कौन सी वीडियो आपको बेस्ट लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।